what is pattern? So pattern is a repeated design is a pattern means जब कोई डिजाइन रिपीट हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं पैटर्न है. सो एक्सरसाइज एट इज ऑब्जर्व द जनरलाइज द पैटर्न मतलब आपको इस पिक्चर्स को देख के ऑब्जर्व करना है कि इनमें कौन सा पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है. सो फर्स्ट पिक्चर को हम देखते हैं तो फर्स्ट बॉक्स में आपकी जो ये लाइन दी है वो है वर्टिकल. ओके देन इसको क्या हो गया है ये हॉरिजेंटल हो गई है अगेन ये वर्टिकल है. तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा लाइन को अगेन हम हॉरिजेंटल कर देंगे और नेक्स्ट बॉक्स में वर्टिकल मीन्स वन टाइम वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल. ओके सो इसमें यह पैटर्न चल रहा है. सो नेक्स्ट में है टू एरोज दिए हैं. पहले एरोज क्या है अपर साइड में उनका एरो दे रखा है देन इनको हॉरिजेंटल कर दिया और ये कहाँ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में. फिर देन इनको अगेन वर्टिकल कर दिया बट ये कहाँ जा रहे हैं बिलो साइड में. सो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है सबसे पहले अपर देन राइट देन बिलो. सो अब ये जा रहे हैं लेफ्ट साइड में. अब चारों साइड्स हो गई अब कहाँ जाएंगे अगेन फर्स्ट जो एरो होगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट अगेन अपर साइड में. ओके नेक्स्ट आपको बॉक्स दिया है स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल एंड रेक्टेंगल. अब इसी को आपको आगे कंटिन्यू करना है. सो ये ऐसे चल रहा है सर्कल. ओके ऐसे चल रहा है. सो अब इसी को ऐसे चलाएंगे तो ये सर्कल में रेक्टेंगल अपर साइड में आ गया है यहाँ पर और जो स्क्वायर था वो यहाँ आ गया है. ओके ट्रायंगल नीचे आ गया है एंड सर्कल इधर मींस इनका भी एक सर्कल चल रहा है. बस इसी सर्कल में आप इन पिक्चर्स को बढ़ाते जाइए ऐसे ऐसे. सो यहाँ पर आपका क्या था ट्रायंगल. सो ट्रायंगल ऊपर चला गया है सर्कल यहाँ आ गया है और रेक्टेंगल नीचे चला गया है स्क्वायर यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में हो गया. इसी तरह से ये पैटर्न चल रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑब्जर्व द जनरलाइज पैटर्न. अब यहाँ पर आपको पैटर्न नंबर्स में दिया था. पहले आपको क्या दिया था कोई पिक्चर दे दी थी. अब यहाँ पैटर्न आपको नंबर्स में दिया है. अब आगे इस नंबर्स को कंटिन्यू करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7, 12, 17 and 22. अब इसको आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि आगे अब कौन सा नंबर आएगा. तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे आप चेक करेंगे कि यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज मीन्स नंबर का बढ़ रहा है या घट रहा है. तो यहाँ नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज. इंक्रीज मीन्स हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है या एडिशन किया. सो फर्स्ट हम एडिशन ट्राई करेंगे. सो 7 के बाद 12 आया तो कितने नंबर ऐड किए कि 12 आया. तो 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो कितने नंबर ऐड किए 5. अब नेक्स्ट सर्च करेंगे 12 के बाद 17 आया. सो कितने नंबर ऐड किए 13, 14, 15, 16, 17. देन 17 के बाद 22 आया तो 18, 19, 20, 21, 22. सो ईच नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का. मीन्स इस पैटर्न में क्या चल रहा है 5 नंबर्स प्लस किए. सो हम नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे 22 में 5 प्लस करेंगे. सो क्या आ जाएगा 27. एंड देन 27 में 5 प्लस करेंगे सो 32. ओके मीन्स इसमें ये पैटर्न चल रहा है एडिशन. अब सेकेंड क्वेश्चन है 10, 20, 30 and 40. सो अब फिर चेक करेंगे कि ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. सो ये अगेन बढ़ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स यहाँ पर या एडिशन या मल्टीप्लाई. सो हम पहले ऐड करके और ये नंबर इतना है कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ 10 प्लस किया 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 एंड प्लस 10 60. ओके क्वेश्चन थर्ड में है 29, 24, 19, 14. मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है नंबर डिक्रीज हो रहे हैं कम हो रहे हैं. मीन्स यहाँ पर क्या या तो डिवाइड हुआ होगा या फिर सेपरेशन माइनस. सो हम माइनस करके देखेंगे 29 में से कितना माइनस किया कि 24 आया. सो अब 29 में से कितना माइनस किया सो 24 आया. तो हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे 28, 27, 26, 25, 24. कितना आया 5. ओके फिर 24 में से कितना माइनस किया कि 19 आया. सो 23, 22, 21, 20, 19. अगेन 5 मीन्स यहाँ क्या हो रहा है 5 नंबर्स का डिफरेंस माइनस करना है. सो 14 में से 5 माइनस किया सो 9. देन 9 में से 5 माइनस किया सो 4. ओके
क्वेश्चन थर्ड इज आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कंप्लीट द ब्लॉक्स. मीन्स आपको इस ब्लॉक्स में क्या नेक्स्ट आएगा वो आपको इन पैटर्न को देख के फाइंड करना है कि क्या किया होगा. सो आप पहले नीचे की डिजिट देखेंगे, क्या दिए है 1 2 3 4. अब आपको देखना है, चेक करना है कि यहाँ 2 कैसा है. 1 में 2 प्लस किया सो यहाँ 2 आया, या 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, 1 में 2 माइनस किया है, क्या किया है सो 2 आया. सो 1 एंड 2, सो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 आएगा. 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस किया सो 3, सो 2 1 जा 2 आया. देन यहाँ देखेंगे 12 कैसे है, सो 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12. मीन्स आपके जो नीचे की डिजिट्स थी उनको मल्टीप्लाई किया है. ओके, अब आपको देखना है कि ये सेंटर वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा. सो आप क्या करेंगे, जब 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया 12. सो अब सेंटर वाले बॉक्स के जो डिजिट्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6. ओके, अब नेक्स्ट अपर वाले बॉक्स में क्या आएगा, सो 2 6 जा 12 एंड 12 6 जा 72. ओके, अब लास्ट बॉक्स के लिए आपको क्या करना रहेगा, 12 एंड 72 का मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 12 एंड 72 वी गेट 864. अब हम नेक्स्ट पैटर्न चेक करेंगे, 7 8 9 10. अब इन नंबर्स को क्या किया हमने, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया. सो यहाँ 59, सो 7 8 जा 56, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया. 7 एंड 8 को हम प्लस करके देखेंगे, 7 एंड 8 15. सो मीन्स यहाँ पर इन दोनों डिजिट को प्लस किया सो वी गेट 15, एंड 9 एंड 10 को ऐड किया सो वी गेट 19. अब नेक्स्ट हम सेंटर वाले डिजिट को ऐड करेंगे, 8 एंड 9 सो वी गेट 17. 15 एंड 17 वी गेट 32, एंड 17 एंड 19 सो वी गेट 36, एंड 32 + 36 = 68. ओके, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर बुक एंड डू प्रैक्टिस. ओके.